हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही बारीकी समस्या को बताने वाला हूं और समस्या दो होगा। देखिए, ये जो स्ट्रेंजर पीबीटी 501 है, इसमें आजकल मार्केट में बहुत लोकल आए हुए हैं और जितना लोकल का बोलबाला है शायद ही ओरिजिनल का है। ओरिजिनल किसी को पहचान में आ नहीं रहा है और ओरिजिनल है भी तो कोई लेने को तैयार नहीं है। देखिए, दिखा दूँ, ये जो ट्रांजिस्टर है 5200 और 1943 मिल करके इस एम्पलीफायर को बनाया गया है। इसका ट्रांसफार्मर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कैपेसिटर ये जो 63 वोल्ट और 15000 माइक्रोफराड का लगा हुआ है, छोटा सा है, ये कब फट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। देखिए, एक फटा हुआ था, ग्रीन कलर में है जो, तो उसको हटा करके ब्लैक लगाया गया। और ये लोकल क्वालिटी की जो 5 वाट 5 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है, कोई कोई इसमें हीट होकर टूट चुकी है। ये बहुत ही घटिया प्रोडक्ट की है। इसका ये स्विच है, रिसेट स्विच, ओवरलोड स्विच भी बोल सकते हैं, 12 एम्पियर का है, हालांकि यहाँ सिर्फ 4 एम्पियर का होना चाहिए एसी में लगा है, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 एम्पियर का होना चाहिए, पर पहले से इसमें इतना नहीं था, किसी मैकेनिक ने 12 एम्पियर का लगाया है। ये 30 वाट और 25 ओम की रेजिस्टेंस है। इसका काम है कि जो ट्रांजिस्टर से फीडबैक आउट होता है, आउटपुट ट्रांसफार्मर में जो इन होता है सिग्नल 5200 और 1943 से बंद करके, उसको डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में ना दे करके इस रेजिस्टेंस से हो करके सिग्नल जाता है, फिर हमें आउटपुट से स्पीकर के लिए मिलता है सिग्नल या पावर, कुछ भी कहिए। तो ये तो हुआ इस एम्पलीफायर, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या था मैं ये बता दूँ। यहाँ जो 557 PNP ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं छोटे साइज में, यहाँ देखिए प्रीसेट के पास 2 पीस लगे हैं जो मैंने छुआ है, ये 557 है, यही फॉल्ट है, हमेशा यही फॉल्ट होता है। आप इसे ओरिजिनल कंपनी और अच्छी क्वालिटी के ट्रांजिस्टर लगाएं, नहीं तो सिर्फ ये छोटा सा 2 रुपये का ट्रांजिस्टर की वजह से पूरा सेट ख़राब हो जाता है। और जो मैकेनिक नहीं रिपेयर करना जानते हैं वो बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम और बना देते हैं, और जिसका एम्पलीफायर होता है वो कस्टमर परेशान हो जाते हैं। ये पूरा NPN और PNP जो है 940-2073 सब बदल दिया गया है किसी दूसरे मैकेनिक की वजह से। यहाँ प्रीसेट भी चेंज किया गया है, हालांकि ओरिजिनल कंपनी का जो प्रीसेट होता है उस पर रेड कलर का थोड़ा सा पेंट या कलर, उसको कुछ भी कहिए, लगा हुआ होता है, ताकि उसको मार्किंग किया जाता है कि उसको उतना ही पर सेट करके कलर से उसको एक बूंद कलर उस पर डाल दिया जाता है ताकि पता चले। बाकी सभी ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद जब ठीक नहीं हुआ तो उसने कह दिया कि पूरा एम्पलीफायर ही ख़राब है, तो मेरे पास आया हुआ है रिपेयर करने के लिए। इसमें कोई फॉल्ट ही नहीं था, सिर्फ 557 मैंने चेंज किया, प्रीसेट चेंज किया, बाकी सेट ऑन हो गया। ये ओवर लोड के वजह से ये PNP छोटा वाला ट्रांजिस्टर लीक हो गया था, और सिग्नल अच्छा नहीं देने की वजह से पूरा एम्पलीफायर लोड ले रहा था। सीरीज में 200 वाट का बल्ब लोड पर जल रहा था, हालांकि लोड 100 वाट का बल्ब से चेक करना बेहतर होता है, पर मेरे पास 200 वाट का है। ये ओरिजिनल और पुराना मॉडल आपको दिखा दूँ, 501 मेरे पास है, ये भी रिपेयर हो चुका है, इसमें सेम यही प्रॉब्लम था। तो प्रीसेट और ये ट्रांजिस्टर, यही प्रॉब्लम ही होता है इसमें। तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले इसके प्रीसेट और 557 ट्रांजिस्टर को चेक कीजिए, इसके बाद कहीं और देखिए, क्योंकि ये कॉमन चीज़ होती है और हमेशा यही फॉल्ट होता है, और इसके बगल में जो जनरल डायोड है वो फॉल्ट होता है। तो पहले इसे चेक कीजिए, इसके बाद देखिए। इस प्रीसेट में देखिए रेड कलर का यहाँ मार्क दिया हुआ है, मैंने अंगूठा रखा है वहाँ पर, ये कंपनी का ओरिजिनल प्रीसेट है। तो ये 3773 बेल का जो ट्रांजिस्टर लगा है, ओरिजिनल एम्पलीफायर यही होता है, इस पर 1500-1600 वाट लोड देकर बचता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ना ही कोई हीटिंग समस्या, ना ही ओवरलोड स्विच, बस ये शॉर्ट सर्किट हो गया था दोनों वायर, तो इसमें ये फॉल्ट हो गया था। देखिए, आपको दिखा दूं, और ये वाला है जो अब नए नए बन रहे प्रोडक्ट, पता नहीं लोकल है या कंपनी का है, मुझे भी समझ में नहीं आता। 5200-1943 लगा करके जो कंपनी तो बना रही है, आसान है और सस्ता भी पड़ता है, 5200 है ये देखिए, और ये सस्ता भी है, लेकिन लोड के मामले में जो 3773 वाला सेट चलता है, जो 3773 लोड लेगा, कभी भी 1943 और 5200 उतना लोड नहीं बजा पाएगा। तो मैं यही बताने वाला था कि कभी भी एम्पलीफायर आप खरीदें तो सिर्फ मिले तो
3773 वाला सेट लें, नहीं तो ये वाला ओरिजिनल स्ट्रेंजर का ही लें, लोकल न लें, क्योंकि पैसा एक बार लगता है कस्टमर का, तो प्रोडक्ट अच्छा मिलना चाहिए, न कि लोकल प्रोडक्ट सस्ता की वजह से खरीद करके बाद में पछताना पड़े। तो देखिए यहाँ 63 वोल्ट 15000 माइक्रो फैराड का कंडेंसर है, छोटा है, दोनों छोटा है। ये देखिए 75 वोल्ट 15000 माइक्रो का ओरिजिनल ये एम्पलीफायर है, देखिए किल्ट्रॉन का कितना बड़ा नट वोल्ट वाला कंडेंसर है। इस टाइप का कंडेंसर देख करके आप समझ सकते हैं कि कितना ओरिजिनल और हेवी क्वालिटी है इसकी। इसका जो ट्रांसफार्मर है उसका कोर तो वही है, लेकिन उसमें कॉयल लगा है कॉपर का, वो मोटा वायर से वायरिंग किया हुआ है। 3773 ये ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा होगा, ये मॉड्यूल बिल्कुल हेवी क्वालिटी में बनाया गया है, और ये सेट अगर जिनके पास है वो बेस्ट है, उसे ठीक ठाक रखें और यूज कीजिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला है। लेकिन ये वाला जो सेट है आप कम लोड ज़्यादा से ज़्यादा 700 वाट यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा ये ख़राब होगा ही होगा। देखिए एक और सेट है मेरे पास स्ट्रेंजर का, 1000 वाट 5200 वाला, ये लोड नहीं लेता है 1000 वाट, 800 850 ही बचता है बस। लेकिन जो 3773 वाला ट्रांजिस्टर है 1500 वाट 1600 वाट बिल्कुल नॉर्मल बजाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप 3773 का एम्पलीफायर यूज कीजिए और बेस्ट है, और जितना भी लोड देना है आप उसकी क्षमता से डबल दे सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।